देखो, वैसे तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से रिलेटेड काफी सारी लीक्स निकलती हुई आई थी, लेकिन फाइनली गाइज अब यहाँ पर इसकी डमी यूनिट्स आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो, मैं वीडियो में कुछ भी आगे बताने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग मे भी आएंगे और बोलेंगे अरे क्या भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो बेसिकली लीक्स और रूमर्स के ऊपर बेस्ड, मतलब जिस तरीके का कंटेंट हम डालते हैं, जो भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाले थे उसकी लीक्स और रूमर्स जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही वो छोटे हो या बड़े हो। लेकिन अभी जो है ना दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है S25 अल्ट्रा से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो किसी भी हाल में होना ही चाहिए। अब यहाँ पर जो ये डमी यूनिट्स निकल के आए हैं गाइस, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले चीज ये बता देता हूँ कि फोन के कुछ महीने लॉन्च होने से पहले कंपनी क्या करती है कि ऐसे डमी यूनिट्स को मैन्युफैक्चरर्स को देती है जो कि केस मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब फोन लॉन्च हो जाता है तो उसके लॉन्च के बाद से, मतलब एग्जैक्टली वही टाइम से ही जो है ना वो फोन के बैक कवर्स अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर लॉन्च होने के बाद में कंपनी देगी तो भाई बैक कवर्स अवेलेबल होने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो 99.9% जो ना दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो सकती है। अब जो भी ये डमी यूनिट्स निकल के आए हैं इसमें गाइस देखो, ज्यादा बड़ा तो चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं जिसके बारे में आपको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले गाइस देखो, यहाँ पर अगर आप इसके रेयर में देखोगे, ये एक्चुअली में पूरा एल्युमिनियम के डमी यूनिट्स बने हुए हैं और इसके रेयर में हमें सेम वही चीज सब देखने के लिए मिलती है जो कंपनी ने अब तक लॉन्च किया है, खासतौर से S24 अल्ट्रा में भी इसमें क्वाड सेटअप हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको एक मैगसेफ का निशान देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो एक तरीके का इंडिकेटर है जो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग फोन में हो जाएगी, बट अब यहाँ पर गाइस चांसेस ये है कि S25 अल्ट्रा जो है वो मैगसेफ की कैपेबिलिटीज के साथ में आए। अब देखो, एक तो चीज ये होती है कि आप वायरलेसली अपने फोन को चार्ज कर लोगे, मतलब आप फोन को चार्जर पर रखो आपका फोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक चीज ये होती है कि जो पावर बैंक है या तो फिर जो वायरलेस चार्जर आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके फोन के पीछे स्टिक हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आईफोन में होता है। आईफोन में ऑब्वियसली इनबिल्ट आती है मैगसेफ की जो ये फीचर है, तो इसमें होता क्या है कि आपको जो है ना वो अलग से एक पावर बैंक लेना पड़ता है या इसका चार्जर अलग से लेना पड़ता है जो कि आपके फोन के पीछे स्टिक हो जाता है और खाली ऐसे ही चार्ज नहीं होता। तो ये अब फीचर जो है गाइस हमें गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा आ जाता है तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जो है दोस्तों वो यूजर्स ये कर रहे थे कि जब भी उनको मैगसेफ के हिसाब से फोन को चार्ज करना रहता था तो अलग से जो है दोस्तों वो मैग्नेट रिंग आती थी, उस मैग्नेट रिंग को जो है फोन के पीछे वो लोग स्टिक कर देते और उसके बाद में फिर चार्जर को उसमें लगाना पड़ता था या तो फिर पावर बैंक को उसमें लगाना पड़ता था, स्टिक करना पड़ता था। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट जो है ना दोस्तों उसमें मैग्नेट्स है, तो उसकी वजह से फोन को आप लगा के चार्ज कर सकते थे, तो ये एक बड़ा फीचर हो सकता है। दूसरी चीज ये, इसका जो फ्रंट अगर आप देखोगे तो वहां पर पंच होल का डिजाइन हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर डायमेंशन में भी जो है ना दोस्तों फोन थोड़ा स्लिम हो सकता है एस कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा, बट यहाँ पर जो बेजल्स है ना गाइस वो 0.2 mm और ज्यादा थिन हो सकते हैं और ये काफी बड़ी अपडेट हो सकती है, क्योंकि बेजल्स देखो भले ही 0.2 mm कम है लेकिन फिर भी गाइस काफी ज्यादा जो ना वो डिफरेंस डालते हैं एज कंपेयर टू कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। तो अब यहां पर देखो, अगर आप S24 अल्ट्रा को देख लोगे फॉर एग्जांपल, तो उसके जो बेजल्स है स्लाइटली जो ना दोस्तों वो कम बेजल्स रहेंगे S25 अल्ट्रा में कंपेयरिंग टू 24 अल्ट्रा, तो यहां पर डिफरेंस काफी बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा जो ना वो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही में गाइस इसके फ्रंट में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा S25 अल्ट्रा, मतलब ये प्रॉपर S25 अल्ट्रा के फोन की डमी हमें देखने के लिए मिलती है। और अगर बात करोगे इसके फ्रेम्स के बारे में तो यहाँ पर गाइस देखो, जो फ्रेम्स है वो प्रॉपर फ्लैट नहीं रहेंगे, थोड़े कॉन्टोर डिजाइन में जो दोस्तों फ्रेम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो फोन है वो इजी टू कैरी हो या इजी टू होल्ड हो, मतलब एक तरीके से अगर आप ग्रैब करोगे फोन को तो वहां पर कुछ अनकंफर्टेबल जैसा फील नहीं हो, काफी कंफर्टेबल रहेंगे फोन ग्रैब करने के बाद में। तो इसके हिसाब से गाइस इसके जो फ्रेम्स है वो भी जो ना कुछ अलग से है, कुछ हटके में देखने के लिए मिल सकते हैं कॉन्टोर साइज के साथ में, कॉन्टोर डिजाइन के साथ में एस कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। अब यहाँ पर गाइस देखो, प्रॉपरली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ किस तरीके का डिजाइन देखने के लिए मिलता है। वैसे इसी तरीके के लीक्स और रूमर्स के लिए आप हमें चैनल को फॉलो करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखो ताकि कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।